मैंने आपको बताया था कि मैं इसका कुछ रीयूज करने वाली हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि इसका मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सा टर्टल, मतलब कि कछुआ। अब देखिए ये जो कटोरी है इसको मैं अलग रख देती हूँ पहले। अब हम पहले सबसे पहले बनाएंगे कछुए का मुँह और उसके हाथ पैर की डिज़ाइन। तो ये मैंने ले लिया है वॉल पुट्टी का डो। अगर आपको वॉल पुट्टी का डो बनाते नहीं आता है तो इसके जस्ट पहले मैंने वो वाला वीडियो भी डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूँगी। तो हम लोग बनाते हैं वॉल पुट्टी का डो। सबसे पहले मैंने एक थोड़ा सा डो का पार्ट लिया है और उसको इस शेप में लेकर ऐसा राउंड सर्कल में दिया है और उसको ऐसा इस टाइप का बना दिया है। देखिए मैंने इसको यूज़ करने के पहले अपने हाथों में कोकोनट ऑयल लगाया था तो मेरे हाथों में बहुत कम चिपक रहा है। अब देखिए थोड़ा सा वॉल पुट्टी है तो ये तो थोड़ा बहुत चिपकेंगे ही, लेकिन ये है उसका माउथ मैंने जो है बना लिया है। अब इसको मैं ऐसा ऐसा रख देती हूँ ड्राई होने के लिए। हाँ अब मुँह तो बन चुका है, लेकिन भाई कछुए के पैर हाथ भी तो बनाना ज़रूरी है, तो मैं छोटे छोटे चार पार्ट लूँगी और हम लोग बनाएंगे। इसके पहले इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी मैं, इसके बाद में इसमें थोड़ा सा क्या है इसकी उंगलियों के निशान मैं डाल दूंगी। ये मैंने चारक जैसी जो है हाथ पैरों के निशान डिजाइन बना ली है, इसमें मैं अभी थोड़ा सा क्या है जो उंगलियों का जो इंप्रेशन है वो डालने के लिए इस टाइप का इसमें शेप कर दूंगी, मतलब डिजाइन दे दूंगी ताकि वो उनको लगना चाहिए कि उनकी उसकी उंगलियाँ है। अब इसको भी हम सूखने देंगे, बहुत अच्छे से इनको सूखने देंगे। अब आती है कछुए की बॉडी की, तो हम लोग बनाएंगे अब कछुए की बॉडी। कछुए की बॉडी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डो ले रही हूँ, मैं इतना डो लूँगी कि जिससे मतलब ये जो पार्ट है ये पूरा कवर हो जाए। सबसे पहले जो लेयर है मैं पतली ही बनाऊँगी और इसको सबसे पहले ये जो हमारी बाउल है इसको पूरा कवर अप कर दूँगी। इसको मैं कवर अप कर देती हूँ अच्छे से। इसको मैंने पीओपी से चारों तरफ से कवर कर दिया है। अब इसको मैं पानी की हेल्प से चिकना कर लूँगी थोड़ा, और सब जगह इक्वल जो है इक्वल से उसका पीओपी का जो है उसको इक्वल कर दूँगी सब जगह। कहीं कहीं कम कहीं कहीं ज़्यादा हो चुका है हाथों से, तो इसमें आप पानी ले सकते हो। हाँ मतलब ज़्यादा पानी नहीं लेना है, लेकिन हाँ इतना तो लेना है ना भाई जितना मैं इसका शेप बन जाए। और हाँ जो कछुआ रहता है वो एकदम फ्लैट नहीं रहता है, उसको थोड़ा मतलब ऊपर से थोड़ा सा गोल गोल सा रहता है ना, तो हमको इसको जब ये एकदम बराबर सब जगह हो जाएगा तब इसको थोड़ा सा गोलाकार शेप में हम ले लेंगे। देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, थोड़ा शेप भी अच्छा खासा दे दिया है, लेकिन कछुआ की जो बॉडी होती है वो एकदम प्लेन तो होती नहीं है, तो हम लोग उस पर थोड़ी सी क्या डिज़ाइन बना देंगे क्योंकि वो खरदरी कच्चा वाला होता है। इसको हम आराम से डिज़ाइन इसमें हम डाल देंगे ताकि सूखने पर हमको कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है ये देखिए मैंने इसमें जो है जो एक सुंदर से डिज़ाइन डाल दी है। अभी मैं इसका सूखने का वेट करूंगी, जब तक ये सूख ही जाता है तब तक तो अब कोई काम नहीं हो पाएगा। तो देखते चलिए सूखने के बाद इसमें हम कलरिंग करेंगे। देखिए कि हमने जो कछुआ के मुंह पैर और बॉडी बनाई थी वो पूरी तरीके से सूख चुकी है, तो अब बारी आती है इन पे कलरिंग करने की। तो कलरिंग के लिए देखो कछुए मैं वैसे तो गोल्डन मेटेलिक कलर करते हैं या फिर ग्रीन ब्राउन, पर मैं इसको ग्रीन और ब्राउन शेड में लाऊंगी। तो चलिए करते हैं इसमें कलर। कलर करने के लिए मैं इसके जो आउटर पार्ट है मतलब मैंने जो डिज़ाइन बनाई है इसके आउटर पार्ट पे मैं ऐसा ग्रीन कलर कर दे रही हूँ। इसकी इसके इनर पार्ट पर इसके आउटर पार्ट को मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं दूसरा कलर मतलब ब्राउन करने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसको फटाफट कलर कर देती हूँ। तो मैंने इस पर इस तरीके से ये ग्रीन कलर कर दिया है इसके हैंड वगैरह में भी। अब मैं इसको फिनिश देती हूँ ब्राउन कलर से, तो ब्राउन कलर मैं लूँगी और इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दूँगी ब्राउन कलर से, तो क्या है वो नेचुरल लुक में आ जाएगा। और ये जो मैंने जो ये बनाए हैं इसमें इसको फिल कर दूँगी तो शायद थोड़ा मतलब नेचुरल जैसी बॉडी होती है हमारे टर्टल की वैसी हमको थोड़ी सी लगेगी। कलरिंग ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अब मैं इसमें ब्लैक कलर से थोड़ा सा जो है इसकी आउटलाइन दे दूंगी।
देखिए मैंने इसकी ब्लैक कलर से आउटलाइन कर दी है और ये बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे या फिर थोड़ा देर धूप में डाल के इसको हम सूखने देते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेसर करते हैं। ये जो है मैंने ये बनाया है, ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब इसका कलर जो हम लोगों को इसको परमानेंट करने के लिए मैं इस पर कर देती हूँ वार्निश, जैसे कि बहुत सुंदर और शाइनी हो जाएगा वार्निश। यहाँ पर मैं एशियन पेंट का जो है सिंथेटिक क्लियर सिंथेटिक वार्निश का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो है स्प्रे वार्निश जो भी हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ब्रश की हेल्प से इसको लगाऊंगी, तो जैसे हम लोग वार्निश लगाते हैं हम लोग देखते हैं जो हमने इसका कलर किया है ना वो बहुत निखर के आता है, और दूसरा कि जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है और शाइन जो है इसकी बढ़ जाती है। तो मैंने जितने भी पार्ट है उनको सबको मैं वार्निश कर देती हूँ और उसके बाद इसको सूखने देती हूँ। मैंने इस पर बहुत अच्छे से वार्निश कर दिया है इसके सारे पार्ट्स पे। अब मैं इसको थोड़ी देर और सूखने दूंगी, इसके बाद हम लोग इसके जो सारे पार्ट्स हैं उसको हम चिपका लेंगे। देखेंगे सूखने के बाद मैंने इसके हाथ और पैर इस तरीके से लगा दिए और ये बिल्कुल हमारे बहुत ओरिजिनल तो नहीं फिर भी ओरिजिनल कछुए जैसा लग रहा है और हमारा कछुआ जो है बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।